हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। आप लोग सोच रहे होंगे कि बियर थर्सडे तो अभी शुरू नहीं हुआ, तो ये मैं क्या लेकर बैठ गया हूँ। दोस्तों, ये जो मेरे सामने है ये बियर नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि ये वाइन है, बट एक्चुअली में ये वाइन भी नहीं है। इसकी एक अलग ही कैटेगरी है, जिस कैटेगरी का नाम आपने पढ़ लिया होगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। इसे बोलते हैं सस्ता नशा। इस वीडियो का मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहा था। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है मुझे कि ये ब्रो कोड का रिव्यू करा जाए, क्या चीज़ है एग्जैक्टली समझाया जाए, और मैं अवॉइड कर रहा था बहुत टाइम से कि कहीं से बच जाए इसका रिव्यू ना करना पड़े मुझे। लेकिन आजकल व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आ रहे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आज कर ही देते हैं रिव्यू। हो सकता है आप लोग इसी बहाने आ जाओ चैनल पर, वीडियो देख लो, लाइक कर दो वीडियो को। लाइक करना आजकल आप लोगों ने छोड़ दिया है, कर दिया करो यार लाइक, आप लोगों के लिए क्या नहीं करता मैं। देर इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस चैनल कि काफ़ी मुझे कुछ अच्छा नई नई चीज़ें ट्राई करने को मिलती हैं, एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू ट्राई न्यू थिंग्स। लेकिन कई बार वो नई चीज़ें मुझ पर भारी पड़ जाती है, जैसे कि ये ब्रो कोड विच आई हैव ट्राइड वंस इन माई लाइफ, और वो एक्सपीरियंस आज मुझे रिलीव करना पड़ेगा। थोड़ा डर लग रहा है मुझे, बट आई गेस वी हैव टू डू इट। सो ब्रो कोड 15 क्या है? ये बियर है, वाइन है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है भाई? ये सस्ता नशा तो है ही, बिकॉज आपको मिल रही है 15% अल्कोहल फॉर ओनली ₹120। ₹120 में आपको शायद एक लाइट बियर मिलेगी या फिर स्ट्रॉन्ग बियर मिल जाएगी, बट उससे फोर टाइम्स ज़्यादा, लाइट बियर से फोर टाइम्स ज़्यादा अल्कोहल परसेंटेज, स्ट्रॉन्ग बियर से ऑलमोस्ट डबल अल्कोहल परसेंटेज आपको मिल रही है इस ब्रो कोड 15 में, इन प्रीटी मच द सेम प्राइस। एंड दैट्स प्रॉब्ली द बिगेस्ट USP ऑफ दिस ड्रिंक। मुझे कमेंट आते रहते हैं कि यार सर, क्या आप टेस्ट के चक्करों में, नोट्स के चक्करों में पड़ रहते हैं, नो हिट बताओ कितनी आ रही है, अगले दिन हैंगओवर कितना आ रहा है ये बताओ। एंड आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज प्रीटी मच अ परफेक्ट बेवरेज फॉर पीपल हु वॉन्ट टू ड्रिंक टू गेट हाई। अब ऐसा नहीं कि इस अल्कोहल परसेंटेज की रेंज में और ड्रिंक्स नहीं है। देर इज़ ऑफकोर्स वाइन, देर इज़ ऑल्सो स्पार्कलिंग वाइन जो आई थिंक काफ़ी क्लोज है इससे टेस्ट में, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बियर, ये कोई बियर नहीं है। बियर बनती है माल्टेड बाले से, ये बनती है ग्रेप से, बट इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी डाले गए हैं, सो इट इज़ मोर क्लोजर टू अ स्पार्कलिंग वाइन। And for ₹120, you are getting something which tastes somewhat similar to sparkling wine, because I personally feel कि इसका taste एक regular sparkling wine से काफ़ी अलग है। So that's why I said that this is not a beer and this is not a wine. This is just an alcoholic beverage with artificial flavors, जो कुछ हद तक wine से रिसेंबल करते हैं। अब मुझे पता है कि मैं बुरा ही बुरा बोल रहा हूँ इसके बारे में, आप लोगों को लग रहा होगा कि पहले से ही मैं मन बना के बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। एज ए सेड, देर इज़ डेफिनेटली अ यूज केस फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रिंक, जहाँ लोगों को चाहिए कि चलो एक ड्रिंक पीनी है हमें, हम एक ही ड्रिंक अफोर्ड कर सकते हैं, बट लेट्स गेट अ गुड हिट, उन लोगों के लिए अच्छा है। इंडिया में लोगों को स्ट्रॉन्ग बियर्स पसंद हैं, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स पसंद है। यहाँ पे टेस्ट मैच भी अगर गुजरात में होता है वो दो दिन में ख़त्म करके आ जाते हैं वापस, क्योंकि भाई रवि शास्त्री जी को काम नहीं चल रहा उनका वहाँ पर। सो फॉर पीपल लाइक दिस, दिस इज डेफिनेटली समथिंग दैट मेक्स सेंस, बट इज इट रियली दैट गुड इन टेस्ट? आई गेस विल फाइंड आउट। काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने जब ये लास्ट पी थी, जब ये चैनल स्टार्ट किया था मैंने, तब मैं लेकर आया था ट्राई करने के लिए, एंड I was not a big fan and I haven't tried it since then, but ho sakta hai ki shayad us waqt maine expect kuch aur kiya tha, shayad maine beer expect kar rahi thi, to uski wajah se shayad thoda disappointed tha main, but now I know what I'm expecting, so I'll keep an open mind. And as you can see, color iska kafi alag hai beer se, halanki dekhne mein lagti hai beer hai। जब आप वाइन शॉप में जाएंगे तो लोग भी, जो वहाँ के ओनर्स हैं, वो भी आपको बोलेंगे हाँ सर ये बियर है, स्ट्रॉन्ग बियर है, बट इट्स नॉट अ बियर। और इसका कलर भी काफ़ी अलग है एक बियर से, जो अरोमा आ रहा है मुझे वो भी काफ़ी अलग है बियर से।
इनफैक्ट कार्बोनेशन भी जो है इसकी इतनी नहीं है जो इतनी जो बियर में होती है. इट्स प्रीटी मच लाइक अ स्पार्कलिंग वाइन या शैम्पेन जो हम बोलते हैं. एंड डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे अरोमा आ रहा है ग्रेप्स का. एक वाइन का जो अरोमा होता है काफ़ी सिमिलर अरोमा आ रहा है मुझे. बट आई गेस अब और कुछ नहीं रह गया करने को टेस्ट करने के अलावा, तो चलिए टेस्ट करते हैं. मुंह पूरा कड़वा हो गया मेरा. एंड सड़े हुए ग्रेप्स का टेस्ट आ रहा है मुझे. नो कि भाई क्यों बंदा कोई क्यों पिएगा ऐसे. क्यों आप अगर आप लोग पीते हैं ऐसे तो क्यों पीते हैं मुझे बताइए कमेंट्स में. आई नो कि इसके यूज केसेस हैं एंड देर आर पीपल हु वुड बाय दिस इंस्टेड ऑफ बाइंग 4 बियर. बट क्यों भाई क्यों. क्या बोलूं इसके बारे में. बस मैं सोच रहा हूं कि कुछ बस ऑफ कोर्स इसका टेस्ट मिलता जुलता है वाइन से. बट इफ यू एंजॉय वाइन देन यू विल नॉट एंजॉय दिस. और अगर आप मेरे आंसू आ गए हैं और अगर आप नॉर्मली बियर एंजॉय करते हैं इवन देन यू विल नॉट एंजॉय इट. अगर आप चाहते हैं कि अच्छा चलो वाइन कैसी होती है वाइन का टेस्ट कैसा होता है और ट्राई करते हैं एंड इफ यू विल ड्रिंक दिस उसके बाद आपका कभी भी जिंदगी में वाइन पीने का मन नहीं करेगा. येस यू डू गेट गुड एल्कोहल हिट प्रॉब्ली but I don't really think that it's worth trying just for that. Probably I can mix this and make some cocktail. शायद जैसे beer shandy बनती है जैसे इसको थोड़ा 30% and 70% lemonade use करके हम कुछ बना सकते हैं probably. but I don't think कि मेरे अंदर और हिम्मत है इसे ख़त्म करने की या इसे और पीने की और ट्राई करने की. एज ए सेट हो सकता है आपको पसंद हो सकता है और लोग हो जो इसे काफ़ी पसंद करते हो. दिस इज़ प्रॉब्ली नॉट अ ड्रिंक फॉर मी. आई डोंट थिंक कि ऐसी ड्रिंक्स या इस पर्टिकुलर ड्रिंक को मैं इन्जॉय कर पाऊँगा. आप लोग बताइए आपकी क्या राय है इसके बारे में. मैं कोई रेटिंग नहीं दूंगा ऐसे टेस्ट और वैल्यू फॉर मनी की. टेस्ट की रेटिंग आप लोगों ने मेरा रिएक्शन देखकर आपको पता लग गई होगी. एंड वैल्यू फॉर मनी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग क्योंकि 120 रुपए में जब आप इसे ख़रीद रहे हैं तो आप क्या सोच के ख़रीद रहे हैं आपका आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इससे. दैट इज़ अ बिग फैक्टर इन जजिंग दिस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी. सो यू गाइज टेल मी कि आपको क्या लगता है इसके बारे में इन टर्म्स ऑफ टेस्ट. अगर आपको पसंद है तो क्या पसंद है इसके अंदर. क्या आपको टेस्ट पसंद है इसका या आपको इसकी जो हिट है वो पसंद है. आई वुड बी रियली क्यूरियस टू नो कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में. और ऐसा नहीं है कि बिकॉज ये सस्ती है इसलिए मैं इसके बारे में सब बोल रहा हूँ. वट एवर द ओपिनियन इज़ माई ट्रू ओपिनियन विदाउट बींग बायस्ड विदाउट थिंकिंग कि ये सस्ती है या महंगी है विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशन. काफ़ी बियर्स के मैंने रिव्यू करे हैं पिछले साल जो काफ़ी सस्ती थी इससे भी सस्ती थी और मुझे अच्छी लगी डिसेंट लगी. आई हैव रिव्यूड सम विस्कीज ऑल्सो इन द लास्ट फ्यू मंथ्स जो कम प्राइस में होने के बावजूद मुझे ठीक ठाक लगी. दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ दोस केसेस जो एक्सेप्शन है. बट एज ए सेड
रिव्यू मैंने आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी, मैंने कर दिया। अब लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।